स्वरूप क्या है? हाँ, जैसे मठ में मंदिर में मूर्ति रहती ना। अच्छा, कोई बोले मठ मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो कोई जाएगा क्या? हाँ, यदि किसी मठ या मंदिर में किसी मठ या मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो क्या कोई इस मठ मंदिर में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? उस मठ की मान्यता होगी क्या मंदिर की जिसमें मूर्ति नहीं है? नहीं होगी ना। बिन मूर्ति के उस मठ की कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही इस धरा पर यदि ये परमात्मा ईश्वर के पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का कुछ भी नहीं, कोई पहचान जीवन की नहीं होगी ना कोई अस्तित्व होगी। तो मठ की शोभा मूर्ति से है, वैसे इस धारा की जीवंतता इन पेड़ पौधों से है। तो मठ की मान्यता हो या मठ की शोभा हो, मूर्ति से है। और यदि मठ और मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो उस मठ और मंदिर की कोई मान्यता नहीं है, है ना। ऐसे इस धरती पर, इस धरा पर यदि ये हरि गुरु गोविंद के ये परमात्मा की वृक्ष नहीं होंगे, वृक्ष को ही तुम प्रत्यक्ष मानना, गुरु गोविंद का स्वरूप जानना, ये तब तक इस धरा पर ये पेड़ पौधे परमात्मा ईश्वर का ये स्वरूप है, तब तक हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। जिस धरा से जिस दिन ये वृक्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन सीमित पर चला जाएगा। तो जीवन हो इस धरा पर, इसीलिए इन धारा पर ये वृक्ष होना बेहद आवश्यक है। तो जब तक ये वृक्ष हम देख रहे हैं इस धारा पर ईश्वर और परमात्मा के स्वरूप, तब तक हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व है। इसीलिए अपने जीवन में जैसे हम माता पिता के साथ रहना चाहते हैं, अपनों के साथ रहना चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ईश्वर के इन वृक्षों को तुम वैसे ही देखना। भगवान साथ में, ईश्वर साथ में, ये हमारा वृक्ष है, और वृक्ष को ही प्रत्यक्ष जानना, जानोगे ना आप।